हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, भारतीय फ्री डिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अशोक। दोस्तों, कुछ सेटेलाइटों पर नए चैनल ऐड हुए हैं जो कि फ्री टू एयर हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से चैनल हैं जो कि हमारे लिए नए शुरू हुए हैं फ्री टू एयर, और इनकी टीपी डिटेल्स क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवं बगल में दिख रहा होगा बेल आइकन, एक बार प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले चैनल की बात करें तो चैनल का नाम है रेड न्यूज़। दोस्तों, ये चैनल ऐड हुआ है यह सेट 52° ईस्ट पर। यदि बात करें इसके ट्रांसपोंडर की तो इसका ट्रांसपोंडर आप नोट कर सकते हैं 11843/2750 केव बैंड की सैटेलाइट है। कुछ जगहों पर 2 फीट पर आसानी के साथ ट्रैक हो जाती है। तो दोस्तों, यदि बात करें अगले चैनल की तो चैनल का नाम है R9TB। ये चैनल ऐड हुआ है INSAT-4B सैटेलाइट पर। इसका ट्रांसपोंडर भी आप नोट कर सकते हैं 3805/2850। सी बैंड की सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए कम से कम 6 फीट का एंटीना लगाना अति आवश्यक है। दोस्तों, यदि बात करें तीसरे चैनल की तो तीसरे चैनल का नाम है लोटस मकाओ। यह चैनल ऐड हुआ है ChinaSat 110° ईस्ट पर। सी बैंड की सैटेलाइट है। 4 फीट के एंटीने पर आसानी के साथ कवर हो जाती है। दोस्तों, यदि बात करें इसके ट्रांसपोंडर की तो इसका ट्रांसपोंडर आप नोट कर सकते हैं 3560/3000 यानी कि 3560/30000। दोस्तों, यह चैनल ऐड हुआ है डिस्कवरी चैनल के स्थान पर। दोस्तों, फिलहाल अब आपको ChinaSat 110° ईस्ट पर आपको डिस्कवरी चैनल देखने को नहीं मिलने वाला है, उसकी जगह पर लोटस मकाओ चैनल ने ले ली है। तो दोस्तों, सैटेलाइट अपडेटेड न्यूज में आज बस इतना ही। जैसे ही कोई और नई अपडेट सामने निकल के आती है आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की ये छोटी सी अपडेट आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। एवं चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई अपडेटेड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।